तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बहुत बड़ा गुड न्यूज़ ये है कि अभी आप एक ही व्हाट्सएप में दोस्तों अलग अलग दो व्हाट्सएप दो अलग अलग नंबर से यूज़ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या होता था, अगर आपको दोस्तों दो दो व्हाट्सएप यूज़ करना होता था एक ही मोबाइल में, तो दो दो व्हाट्सएप अलग अलग से आपको क्लोन करना होता था या डुअल ऐप करके इंस्टॉल करना होता था, या अलग अलग व्हाट्सएप अलग अलग सोर्स से इंस्टॉल करके यूज़ करना होता था। लेकिन अभी जो व्हाट्सएप का ऑफिशियल ऐप है दोस्तों, एक ही व्हाट्सएप में दोस्तों अलग अलग दो नंबर का व्हाट्सएप आप लॉगिन कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इंस्टाग्राम में अलग अलग तीन चार अकाउंट आप लॉगिन करके रख सकते हो, वैसे ही सेम तरीके से अभी व्हाट्सएप में दोस्तों एक व्हाट्सएप लेकिन दो अलग अलग नंबर से व्हाट्सएप आप रख पाओगे, एक ही क्लिक में दोस्तों स्विच कर पाओगे दो दो अलग अलग व्हाट्सएप में। जी हाँ, ये बहुत लोगों को इस अपडेट अभी पता नहीं है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। तो चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। तो दोस्तों चलिए अभी दिखाते हैं, अभी आप एक व्हाट्सएप ऐप पे दो अलग अलग नंबर का व्हाट्सएप आप कैसे इस्तेमाल करोगे इंस्टाग्राम की तरह। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट्सएप ऐप ओपन कर लेने के बाद आप तीन डॉट ऊपर ये जो ऑप्शन है क्लिक कर लीजिए। सेटिंग पे जाइए, जाने के बाद दोस्तों सिंपल तरीके से यहाँ पे जो अकाउंट ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करिए। ऐड अकाउंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ऐड अकाउंट पे आपको क्लिक कर लेना है। नहीं तो और एक आसान तरीका बताता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, ये ओपन कर लेते ही दोस्तों ये जो एरो मार्क है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेते ही ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर लेने के साथ साथ ही एग्री एंड कंटिन्यू, जो नॉर्मल व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के बाद फ्रेश इंटरफेस आता है इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। फिर जो दूसरा नंबर का व्हाट्सएप है दोस्तों, दूसरा मोबाइल का व्हाट्सएप है आप इस व्हाट्सएप में चलाना चाहते हो, वो नंबर यहाँ पे एंटर कर लीजिए। तो नंबर एंटर कर लेने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा, ओके पे क्लिक करिए। और फिर दोस्तों उस दूसरा मोबाइल में दूसरा व्हाट्सएप में ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहां पे एंटर कर लेना है। तो ओटीपी डाल लेने के साथ साथ यहां पे वेरीफाई हो जाएगा, वेरिफिकेशन कंप्लीट, लुकिंग फॉर बैकअप्स, जो भी बैकअप था उस मोबाइल में चार्ट्स वगैरह था सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको चाहिए दोस्तों बैकअप कर लीजिए, नहीं तो सब कुछ दोस्तों गायब हो जाएगा, तो आपको परमिशन देना है सब कुछ बैकअप पाने के लिए। और अगर आपको दोस्तों बैकअप नहीं चाहिए तो आप कैंसिल पे क्लिक करिए, मुझे सपोज मान लो कोई भी बैकअप की जरूरत नहीं है, स्किप पे मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे स्किप पे क्लिक करिए। ठीक है, स्किप कर दूंगा मैं यहाँ पे, और देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ वापस पहले जैसा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाना होगा, तीन डॉट पे जाने के बाद स्विच अकाउंट्स पे क्लिक करिए। आप स्विच अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और अलग अलग जो है पहला जो व्हाट्सएप था उसमें स्विच हो गया। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सेटिंग पे जाके भी ये नंबर पे क्लिक करके जो व्हाट्सएप दोस्तों अभी आप चलाना चाहते हो यहाँ पे सिंपल तरीके से वो सिलेक्ट करिए। देख सकते हो यहाँ पे दो दो इंटरफेस, दो दो व्हाट्सएप मेरा एक ही व्हाट्सएप ऐप में काम कर रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी व्हाट्सएप को यहाँ से एक ही ऐप में दो अलग अलग नंबर का व्हाट्सएप चला सकते हो। और अगर आपको दोस्तों इस दो व्हाट्सएप में से एक को हटाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग पे जाइए, जाने के बाद यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करिए, और यहाँ पे देख सकते हो रिमूव अकाउंट जो है, रिमूव अकाउंट पे आपको क्लिक करना होगा। तो रिमूव अकाउंट यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो रिमूव पे आपको क्लिक कर देना है। रिमूव अकाउंट पे क्लिक कर देने के साथ साथ ही वो जो मेरा अभी अभी ऐड किया था वो अकाउंट यहाँ से गायब हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे जाके देख लीजिए कोई भी अकाउंट नहीं है। तो और इसी तरीके से दोस्तों आप एक ही व्हाट्सएप ऐप में दो अलग अलग व्हाट्सएप आप यूज कर पाओगे। गाइस, उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपके मन में कुछ भी सवाल या डाउट हो तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, आप जो वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करना। तो मिलते हैं ऐसा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।